हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है NFSA। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ NFSA। राइट, सो आज का जो हम टॉपिक करेंगे वो रिलेटेड है हमारा फूड सिक्योरिटी से। राइट, फूड सिक्योरिटी आप समझते हैं क्या होता है। फूड सिक्योरिटी इज़ कि जो एक गवर्नमेंट या जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर फूड की सिक्योरिटी करते हैं, फूड को प्रोक्योर करके रखते हैं। राइट, प्रोक्योर करने का मतलब होता है कि हम किसी भी फूड को जब उसकी क्रॉपिंग होती है और जब उसको खेतों से काटते हैं तो उसको स्टोर करके रखते हैं, ताकि फ्यूचर में कभी अगर हमें फूड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या फूड की थोड़ी सी भी कमी फील हो तो हम उन स्टोर में से या उन गोदाम में से फूड को निकाल कर देश को सपोर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फूड। राइट, सो यहाँ पर एक एक्ट बनाया गया था जो हमारा किसका पार्ट है, ये हमारा बेसिकली अगर आप UPSC की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो ये GS3 में हमारा इकोनॉमिक्स का सेक्टर जो है वो कवर करता है। राइट, इकोनॉमिक में फूड प्रोसेसिंग वाला। राइट, सो यहाँ पर जो हमारी सेकंड चीज़ आती है वो गाइज आती है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। राइट, सो बेसिक हम कवर करेंगे कि फुल फॉर्म क्या होती है NFSA की, कब ये बनाया गया था, कैसे कैसे बनाया गया था, इसमें क्या क्या डाला गया था, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि क्यों इसको बनाया गया था, मतलब इसकी इतनी क्या ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई थी कि हमें इसको बनाना ही पड़ा, तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। वी कैन से द फीचर्स विच आर द की फीचर्स, कि इसको बनाने के टाइम पर हमें ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज़ या ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ी जिससे कि ये वेल डिफाइन हो सके। राइट, अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बेसिकली किन के लिए दी जाती है, रूलर एंड अर्बन पीपल्स के लिए। राइट, कुछ लोग होते हैं दोज हु आर लिविंग देयर लाइफ इन द रूरल सेक्टर, एंड कुछ लोग होते हैं दोज दे आर लिविंग लाइफ इन देयर अर्बन सेक्टर। राइट, सो फॉर रूलर एंड फॉर अर्बन, राइट, ये सारे की फीचर्स जो ऐड किए गए थे। राइट, इन की फीचर्स को हम आगे कवर करेंगे, फिलहाल हम इसको कवर करते हैं नेक्स्ट में। राइट, ठीक है, सो NFSA मैंने आपको बोला NFSA स्टैंड्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि 2013 में इसको बनाकर इम्प्लीमेंट किया गया था, और उस इम्प्लीमेंट के ईयर को ही मोस्टली एक्ट के साथ जोड़ा जाता है। राइट, जैसे अगर आप किसी भी एक्ट को पढ़ रहे हैं, राइट, तो आप उसके साथ जिस ईयर में उसका निर्माण हुआ है या जिस ईयर में वो इस्टेब्लिश हुआ है, हम ऐसा बोल सकते हैं, उस ईयर को उस एक्ट के साथ जोड़ा जाता है। राइट, बेसिकली हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या बोलते हैं, कि अब बेसिकली जब हम पढ़ रहे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। राइट, सो नेशनल की बात हो रही है, नेशनल मतलब जो हमारी इंडिया की बाउंड्रीज़ के अंदर अंदर की बात हो रही है। राइट, इंडिया की बाउंड्रीज़ के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको नेशनल बोला जाता है। फूड की सिक्योरिटी के लिए जो एक्ट बनाए जा रहे हैं उनको बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये बनाया गया था 2013। बेसिक इसका इंटेंशन क्या था, कि हम जो पुअर पीपल्स होते हैं, राइट, जो रूरल एरिया में रह रहे हैं या जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा बिलोंगिंग है या वहाँ से ज़्यादा काम करते हैं, राइट, लाइक फार्मर्स, राइट, या वी कैन से द स्मॉल पुअर पीपल जो डेली बेसिस पे वर्कर काम करते हैं वेजेस के ऊपर, डेली वेजेस के ऊपर, राइट, उनको कुछ गवर्नमेंट की स्कीम दी गई थी। राइट, उन स्कीम्स से इन लोगों को कितना सपोर्ट प्रोवाइड हो सकता है, ये बेसिक इंटेंशन था हम लोगों का। राइट, हम लोग कौन, यहाँ पर गवर्नमेंट की बात हो रही है, कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट देने के लिए कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स बनाई गई थी पुअर पीपल्स के लिए। वो स्कीम हमारी थी लाइक PDS एंड AAY, और भी बहुत सारी स्कीम्स थी, बट मैं हम मेन फोकस करते हैं PDS और AAY पे। यहाँ AAY जो होती है वो अंत्योदय अन्न योजना होती है। राइट, तो ये दोनों पे तुम्हारा हेल्प होता है। इन दोनों स्कीम्स के थ्रू हम क्या करते हैं, जो पुअर पीपल्स होते हैं उनको फूड की सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। कैसे प्रोवाइड करवाते हैं मैं आपको समझाता हूँ। राइट, सपोज मैं बोल रहा हूँ ये है एक राशन शॉप। राइट, दिस इज़ अ राशन शॉप। राइट, एंड अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपको कि ये एक घर है, ठीक है, यहाँ पर एक फैमिली रहती है, फैमिली इज अबाउट 4 मेंबर्स आर देयर। राइट, सो अब इन फैमिली में सिर्फ एक मेंबर जो है वो अर्निंग है। राइट, अगर वो एक मेंबर अर्निंग कर रहा है, सपोज उसकी मंथली सैलरी है नियर अबाउट वो 5,000 रुपये पूरे महीने में कमाता है। राइट, अब वो 4 या 5 पीपल्स की मेमरी जो पूरी फैमिली है वो
इस 5000 रुपीज से या 5000 रुपये से महीने में गुजारा नहीं कर सकते। उनका जो मेन मेन रिसोर्सेज होते हैं उनका उनका खाना, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन या उनके डेली वेजेस के जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, डेट विल नॉट कवर अप टू 5000 रुपीज़। इसमें राशन इंक्लूड करके मैं बोल रहा हूँ कि उनके फैमिली में जो वो डेली बेसिस पर राशन खाएंगे, राइट। तो अब क्या होता है, ये फैमिली को गवर्नमेंट ने बोला कि आई नो यू पीपल आर पुअर, तो हम क्या करते हैं, आपको PDS की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर दिया उनको PDS सर्विस। PDS सर्विस में क्या होता है, एक राशन कार्ड बनाया जाता है, राइट। इस राशन कार्ड के थ्रू इन फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है डेट दे आर रियली नीडफुल, इनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो उस राशन कार्ड में जो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है उसके नाम पर वो राशन कार्ड इशू किया जाता है। सपोज़ कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो अगर आपके ग्रैंडफादर या आपकी ग्रैंड मदर जो हैं अगर वो हैं तो उनका नाम होता है, और अगर आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, सिंगल फैमिली में रहते हैं, तो आपके पापा या आपकी मम्मी जो है घर में जो उस टाइम पर सबसे बड़ी है उनके नाम पर राशन कार्ड इशू होता है। इस राशन कार्ड के थ्रू आप इस राशन शॉप में जाकर वेरी मिनिमम प्राइसेस में वेजेस खरीद सकते हैं, राइट। सो ये वो चीज़ थी जो PDS की, एंड PDS को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट। PDS जो है वो बेसिकली 1992 के आसपास हमने स्टार्ट की थी, राइट। इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स भी हुई हैं, अमेंडमेंट इन द सेंस कि हमने PDS को पहले स्टार्ट किया, फिर उसमें कुछ हमें कमी लगी तो हमने उसको और आगे इंक्रीज किया, एंड PDS के बाद हमने उसको TPDS भी बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, राइट। सो इसमें हमने क्या किया, कुछ फैमिलीज़ को टारगेट किया जिन तक हमारी फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं पहुंच पा रही थी, राइट। फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच रही थी बिकॉज कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहां पर गवर्नमेंट जो है वो नहीं पहुंच पा रही थी, तो वो ग्रास रूट तक पहुंचने के लिए गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि हम कुछ अलग तरीके से काम करें, राइट। सो बेसिकली अगर हम यहाँ से कवर करें, दैट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट दैट केम इनटू द इफेक्ट ऑन July 5, 2013, इसका एम क्या था, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को ह्यूमन साइकिल्स में अप्रोच देना, राइट। कि एक ह्यूमन का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें अगर उसके पास फूड की सिक्योरिटी होगी, न्यूट्रिशनल फूड होगा, तो वो इजीली एक अपना आउटपुट दे पाएगा, एंड दैट आउटपुट विल बी हेल्पफुल फॉर द नेशंस ग्रोथ, राइट। तो वो जितना भी आउटपुट वहाँ से देगा वो एक नेशन की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, और नेशन की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल से ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो इसको प्रॉपर एक साइकिल में लाने के लिए कम्प्लीटली उन्होंने क्या किया था, एक NFSA एक्ट को बनाया गया था, राइट, टू एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ द क्वालिटी फूड टू द अफोर्डेबल प्राइजेस, ताकि एक मिनिमम वेजेस के ऊपर उनको एक अच्छे से अच्छा फूड का प्राइस मिले और वो उसका अफोर्ड कर सके, राइट। सो दीज आर द बेसिक जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमें बताता है, राइट। तो यहाँ बात आती है, फर्दर कुछ सेगमेंट और थे विच आर द प्रोविजन्स ऑफ द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड एंटाइटलमेंट ऑफ द स्पेशल ग्रुप्स, राइट। यहाँ पर उन्होंने टारगेट किया था प्रेगनेंट वुमेंस, दोज हु आर फ्रॉम रूरल एंड अर्बन एरिया, राइट। बेसिकली क्या होता है कि मोस्टली प्रेगनेंट वुमेंस अगर जो रूरल एरिया से होते हैं, दे कांट अफोर्ड हॉस्पिटल, ऑल द एक्सपेंसिव ऑफ द हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल के अगर वो एक्सपेंस नहीं उठा पाती हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, दे आर नॉट एबल टू प्रॉपरली फंक्शंस, प्रॉपर मील नहीं मिल पाती है, बेबी कैन नॉट ग्रो मच हेल्दियर, राइट। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ एंटाइटलमेंट्स दिए हैं, लाइक उनको फ्री मील दिए जाते हैं, राइट, व्हेन दे आर प्रेग्नेंट, उनको नियर अबाउट 6 मंथ आफ्टर द चाइल्ड बर्थ उनको मेटर्नी बेनिफिट्स दिए जाते हैं 1000 रुपीज़ पर मंथ फॉर 6 मंथ, अराउंड इट विल बी 6000 रुपीज़, राइट। तो उनको आफ्टर द गिव अ बर्थ, तो ठीक नेक्स्ट 6 मंथ तक, फ्रॉम द डे टू नेक्स्ट 6 मंथ, उनको 1000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाते हैं, ताकि वो मिनिमम अपना जो छोटा मोटा खर्चा है वो यहाँ से निकाल सके। द पर्सन शुड बी इंडिपेंडेंट, द मेन टारगेट विल बी दिस, राइट। एंड दोज हु आर रूरल एरिया चिल्ड्रंस, और वी कैन से सम चिल्ड्रंस आर हु आर इन अर्बन एरिया, दे ऑल्सो फाइंड द सेम प्रॉब्लम्स, बट डिपेंड क्या करता है कि रूरल एरिया में ये ज़्यादा इशू होते हैं, तो वहाँ पर स्कीम्स लाई गई कि 6 मंथ से 14 मंथ्स के बीच में, 14 ईयर्स सॉरी, के बीच में जितने भी बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको मिड डे मील दिया जाएगा। मिड डे मील हमने बहुत बार सुना होगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल होता है उसमें दोपहर के टाइम पे फ्री में लंच प्रोवाइड किया जाता है, राइट। वो मिड डे मील उनको दिया जाता है ताकि बच्चों को पौष्टिक आहार मिलता रहे, न्यूट्रिशनल डाइट मिलती रहे। सो अगर उनको पौष्टिक आहार मिलता रहेगा तो उनका ब्रेन और उनकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी, और दोनों एक दूसरे के
प्रॉपर कॉन्टैक्ट में रहेगी, राइट। सिर्फ संडे को छोड़कर, क्योंकि संडे को गवर्नमेंट सेक्टर्स मोस्टली क्लोज होते हैं तो स्कूल भी बंद होगा, वो फ्री मील जो है उनको नहीं मिल पाएगी। सो एक्सेप्ट संडे फ्रॉम दी 6 मंथ टू 14 ईयर्स के बीच में, क्लास 8 तक अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, आपको क्लास 8 तक फ्री में जो है वो वहाँ पर मिड डे मील जो है एक न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो यहाँ पर आपको दी जाती हैं, राइट। अब इसके कुछ की फीचर्स हैं गाइस, मैं आपको बताऊँ। जैसे मैंने आपको बोला टीपीडीएस होता है टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। ये कवर करता है 50% फॉर द अर्बन पॉपुलेशन, की जो लोग अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं उनके लिए ये 50% कवर करता है। लाइक सपोज़ अगर कोई चीज़ बाहर 20 रुपीज़ की मिल रही है, तो ये इनका टारगेट होता है कि नियर अबाउट वो चीज़ आपको पीडीएस स्टोर में 10 रुपये में मिल जाएगी, राइट। वही ये चीज़ अगर मैं बात करूँ तो रूरल एरिया के लिए गवर्नमेंट जो है वो 75% तक का टारगेट करता है, राइट, कि 75% तक वो उनको छूट मिल सके और वो अच्छे से कर सके। और इसमें क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं, जो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, आपको राइस मिलता है, वीट मिलता है, कोर्स ग्रेन मिलते हैं, इसको आप मिलेट्स भी कह सकते हैं, राइट, कोर्स ग्रेन के में मिलेट्स भी मिलता है। यूनिफॉर्म एंटाइटलमेंट मतलब एक स्टैंडर्ड दिया जाता है, नियर अबाउट 5 kg पर मंथ फॉर पर पर्सन। अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं तो 5% के हिसाब से दे विल गेट 20, राइट, तो 20 kg उनको पर मंथ मिलेगा। और कुछ जो पुअरेस्ट से भी पुअर हैं, लाइक जो मिनिमम से मिनिमम, उनके घर में कोई भी अर्निंग करने वाला नहीं है, 0 इनकम है उनकी, राइट, सिर्फ वो अपनी खेती पे डिपेंड है, जो खेत से आता है बस वही खाते हैं और वही करते हैं। तो पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट जो है उनको रिसीव किया जाता है, और मैं बोलूँ वो रिसीव करते हैं गवर्नमेंट की साइड से 35 kg पर मंथ जो है अंडर AAY स्कीम्स होता है, राइट। तो इसमें सब्सिडाइज प्राइस दी जाती है जो एक मिनिमम वेजेस पर होता है। मिनिमम वेजेस कितना है, 3 रुपीज़, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़, इन रुपीज़ के हिसाब से वो लोग आपको राइस, वीट, कोर्स ग्रेन जो हैं जितने भी हैं ये आपको प्रोवाइड कराते हैं मिनिमम वेजेस पे, ताकि आप इनको अफोर्ड कर सको और प्रॉपरली इनको यूज़ कर सको, राइट। एज ग्रुप जो होता है वो 6 मंथ टू 14 एज होता है, 14 ईयर्स तक, ठीक है। इसमें कुछ कोर्सेज कराए जाते हैं, विच इज़ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एंड मिड डे सर्विसेज, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स जो है प्रेगनेंट वुमेन्स को दिए जाते हैं 6,000 रुपीज़ तक, राइट। सो दीज आर द बेसिक टॉपिक गाइस, जो आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ में लेके, राइट। एंड इसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है या कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट, एंड मैं डेफिनेटली उसमें आपका रिप्लाई करूँगा। एंड जो भी आपको टॉपिक अगर नहीं समझ आता है और आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको बताऊँ, सो काइंडली मैसेज मी और पिन मी अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ओवर देयर, राइट। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे।